नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए। इस समय दोनों के बीच में, करण और पलकी के बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। हालांकि पलकी ने बोल भी दिया है कि आपने मेरी जान बचाई है और वाकई में जिस तरीका से लोग मुझे ढूंढ रहे थे और मैं छुपी हुई थी, आपने फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया। ये चीज़ मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा पसंद आई। साथ ही दोस्तों, आप लोगों के बीच में जल्दी ही एक और नया ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिरकार पलकी करना क्या चाहती हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राजवीर से तो प्यार करती हैं लेकिन वहीं पर ही करण के बेटे यानी सौर्य से बहुत ज़्यादा नफरत करती हुई नजर आती हैं पलकी। पलकी का मानना यह है कि अगर मेरा बस चले तो मैं हमेशा हमेशा के लिए सौर्य को इस शहर से ही विदा कर दूं, क्योंकि दोस्तों वाकई में सौर्य की जो हरकतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा घटिया और गिरी हुई हरकतें हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा उसकी हरकतों से नफरत करती हुई नज़र आती हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कहानी में एक और नया ज़बरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देखेंगे कि किस तरीका से सौर्य बोलता हुआ नज़र आने वाला है इस चीज़ को कि जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है और मैं इस पलकी को सबक सिखा कर रहूँगा। लेकिन दोस्तों, वो सबक क्या सिखाएगा, वो तो उल्टा ही नज़रों से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि करण ने तो पहले ही बोल दिया था कि आज नहीं तो कल मैं इस लड़के से हमेशा हमेशा के लिए संबंध तोड़ दूंगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि निधि ने पूरी तरीका से सौर्य को बिगाड़ दिया है और सौर्य को ज़रूरत है इस समय उसकी माँ की यानी कि प्रीता की, और इस चीज़ को करण के साथ साथ में ऋषभ और राखी माँ करीना वो अच्छी तरीका से जानती हैं कि किस तरीका से लगातार बिगाड़ा है सौर्य को इस निधि की बच्ची ने। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, मैं अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है।